खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। आज 4 नवंबर सन 2022 है। मुझे उम्मीद है कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लगातार कोशिश करते हैं सुबह सुबह जब आपके सामने आती है तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करते हैं, बल्कि आपको मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर करने की कोशिश करते हैं, और आलमी सतह पर क्या कुछ हो रहा है उससे भी बाखबर करते हैं, और इस बाखबरी के बीच हुकूमत तक भी एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें भी बाखबर करने की कोशिश करते हैं। जब हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं प्रोग्राम के 9:40-45 के आसपास हमारी फ़ोन लाइन्स ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं, आप कॉल करना शुरू करते हैं और आप हुकूमत को उसका रिपोर्ट कार्ड सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने मसाइल हुकूमत के सामने रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी बात को सुने, मसाइल को हल करें, और अगर मनसूबाबंदी नहीं करनी है तो उनके सामने एक फीडबैक रहे कि हमने आगे किस तरीके से चलना है। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम तरीन बातें और कुछ अहम तरीन तजिए आपके सामने शेयर हम ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 4 नवंबर को माजी में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द डे याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माजी को याद करके ही मुस्तकबिल सवारा जा सकता है। सीधे चलेंगे आसिफ रशीद के पास, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। 8:39 हो रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की जानिब। आज का दिन खास क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी, वो आपको बताते हैं। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में कुछ अहम वाकयात हैं, इनमें 1556 का वो दिन भी, यानी आज का दिन जब अकबर और हेमू के दरमियान पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और हेमू को अकबर की अफवाज ने आज के दिन शिकस्त दी। ये 5 नवंबर 1556 की बात है। 1605 में आज ही के दिन बरतानवी पार्लियामेंट को धमाके से उड़ाने का गन पावर मंसूबा, जिसका राज फाश हो गया, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको उड़ाया जाना था, एक बड़ा मंसूबा तैयार किया जा रहा था, साजिश तैयार हो रही थी, जिसको गन पावर मंसूबा करार दिया गया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। 1630 में स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए, और 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कयाम अमल में लाया गया, जो आज के दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में, रियासतों में, मुख्तलिफ अजला के अंदर काम करती है, और कुदरती आफात के दौरान लोगों की मदद करने के लिए ये इदारा सामने आता है। 1920 में आज के दिन ये कायम हुआ, 102 बरस से मुकम्मल हो रहे हैं, आज इस इदारे की खिदमात याद की जाएंगी। 1840 में आज ही का दिन था, इजिप्ट यानी मिस्र के पाशा मोहम्मद अली ने लंदन मुआहिदा तस्लीम कर लिया, यानी इस मुआहिदे में जो बड़ी बातें थी जो अब तक मिस्र के हुक्मरानों ने नहीं मानी थी, पाशा मोहम्मद अली ने इस लंदन मुआहिदे को तस्लीम किया। इसके बाद बातचीत का और मुज़ाकराती अमल का एक नया सिलसिला, जिसका आगाज़ हुआ मिस्र और बरतानिया के दरमियान। 1870 के दिन में आज का दिन था जब मुजाहिद आज़ादी देशबंद हथुचंद रंजन, और इसके अलावा देशबंधु चतरंजन दास, जिनकी पैदाइश आज के दिन हुई, उनकी मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। 1872 में आज ही के दिन यूएस ग्रांट अमेरिका के दूसरे सदर मुंतखब किए गए, 5 नवंबर को वाइट हाउस में उन्हें जिम्मेदारी मिली, और 1883 में बरतानिया सूडान से हटने पर राजी हुआ था। तो सूडान के अंदर आज भी जो कशीदियाँ लड़ाई देखते हैं, सबब इसका बरतानिया बना था, लेकिन 1883 में जब वो हटा भी था, बीच में 1950 के आसपास फिर अपनी अफवाज यहाँ भेजी, इसके बाद भी कोई सूरत हाल नहीं बदली, साउथ सूडान अलग हुआ, नॉर्दर्न पार्ट अलग हो गया, लेकिन 1883 के उस दिन को भी याद किया जाना चाहिए, 5 नवंबर के, जब बरतानिया ने इंतहाई कशीदा सूरत हाल देखते हुए अपनी अफवाज को यहाँ से हटाने का फैसला किया और राजी हुआ आज के दिन बरतानिया। तो यह अहम वाकयात थे आज के दिन के हवाले से, लेकिन अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, और सबसे पहले वो खबरें आप तक रहेंगी पहुंचाने की कोशिश रहेगी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं, तरजीहात में हमारी शामिल हैं, और आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, आगाज करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। चलिए जी, आज की खबर का आगाज जो करते हैं वो इंतहाई अहम और बड़ी खबर से करते हैं, क्योंकि रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के बीच सलाह मशवरा चल रहा है, और ये सलाह मशवरा वजारत खारजा के साथ चल रहा है, जहां पर बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और ये बड़ा फैसला जो है ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास जो इमलाक है
इनको लेकर होगा, यानी कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास जो प्रॉपर्टीज है उनको लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि खबर हमारे पास है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और वजारत खारजा के बीच लगातार ये मामला चल रहा है कि 1965 और 1971 के जो रिफ्यूजीज जम्मू के अंदर क्याम पजीर है उनके लिए एक बड़ी खबर होगी, एक बड़ी सौगात हो सकती है, क्योंकि सरकार इस बात की ओर बढ़ रही है, एक कदम आगे बढ़ा रही है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास जो जायदाद हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों को दिया जाए वो जो 65 और 71 के रिफ्यूजी जम्मू के अंदर है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया डिस्कशन में लगी हुई है वजारत खारजा के साथ, और जो अलॉटमेंट कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ है उन्हें अलॉट किया जाए जी 65 और 71 के रिफ्यूजीज को जो इंडो पाक वॉर के दौरान सेटल हो गए थे जम्मू के अंदर। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा फैसला होगा ये, अगर ये लिया जा सकता है। ज़राया जो दिल्ली में है, जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर है, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से पहल शुरू कर दी गई है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अक्वामे मुत्तहिदा के पास जो एक अंडरटेकिंग है उसका भी ध्यान और ख्याल जो है वो इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को रखना होगा, कुछ जिम्मेदारों की तरफ से इस तरीके की बात जो कही जा रही है। लेकिन मरकजी हुकूमत और वजारत खारजा जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की उस कॉल को जो उनकी तरफ से तहरीरन भेजा गया है उसको संजीद के साथ ले रही है, और दफ्तर खारजा के अंदर लगातार इस पूरे मामले के मुख्तलिफ जावियों को जो है वो देखा जा रहा है। और याद रखिएगा, ये पहला मौका नहीं होगा जब कोई बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से इस तरीके से या मरकजी हुकूमत की तरफ से इस तरीके से लिया गया होगा। 5 अगस्त 2019 का भी वो एक बड़ा फैसला था जब रियासत को खसूसी इख्तियार ख़त्म कर दिए गए थे, और न सिर्फ खसूसी इख्तियार ख़त्म कर दिए गए थे बल्कि कायल हमेशा रियासती मरकजी हुकूमत रही है। और ये माना जा रहा है कि अगर ये फैसला लिया जाता है तो ये एक और बहुत बड़ा फैसला होगा जम्मू कश्मीर के जाविये से भी, और अक्रॉस द बॉर्डर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे जो दलील बताई जा रही है अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदाद है वो अपनी जगह है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर ली गई है, जिसमें यह कहा गया कि एंटायर जम्मू कश्मीर अक्रॉस द बॉर्डर भी जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसको लेकर भी ये पूरा जम्मू कश्मीर जो है ये एक टेरिटरी है, और उस एक टेरिटरी के तहत ही ये फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और ये माना जा रहा कि एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कस्टोडियन डिपार्टमेंट को लेकर और कस्टोडियन प्रॉपर्टी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हुकूमत की तरफ से इस पर मोहर लगती है। बाबा सुख ज़राया बता रहे हैं कि दफ्तर खारजा और वजारत दाखिला के बीच में भी कल इस पर सलाह मशवरा हो सकता है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा फैसला कस्टोडियन डिपार्टमेंट के हवाले से लिया जा सकता है। अब ये बताइएगा कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास 1947 जब खूनी लकीर खींची गई, भारत पाकिस्तान बना, उसके बाद जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हुआ और बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जो यहाँ पर थी, यहाँ के लोग थे, वो पार चले गए, पाकिस्तान में रह गए, POK के अंदर चले गए, तो उनकी प्रॉपर्टियाँ यहाँ रही, तो वो प्रॉपर्टियों की देखभाल एक डिपार्टमेंट कर रहा है जिसे कस्टोडियन कहा जाता है, और साल साल से ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट काम कर रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से एक बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत ले सकती है, और ये राहत होगी उन लोगों के लिए, ये राहत होगी उन लोगों के लिए जिन्हें साल साल से दूर रखा गया था बुनियादी हकूक से। याद रखिएगा, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हो, गोरखाज और दीगर लोगों, पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे, फिर प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास नहीं थे, और फिर 10 तरह की और परेशानियां थी, और 5 अगस्त 2000 के बाद लगातार उनके मसाइल को हल करने के लिए और कदम उठाए गए, और ये माना जा रहा कि ये एक और बहुत बड़ा संगमील होगा, एक और बहुत बड़ा कदम होगा अगर मरकजी हुकूमत इस हवाले से आगे बढ़ती है, और इससे जम्मू सूबे की जो सियासत है और कश्मीर सूबे की सियासत है एक नए रुख की ओर सकती है। चलिए, एक तरफ की बात थी लेकिन नई दिल्ली पर ही सबकी नजरें हैं। एक और अहम खबर आपको बताते हैं, दारुल हुकूमत के अंदर मुल्क की सलामती कैसे रहने वाली है, इस पर स्ट्रेटजीज क्या बनती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ साथ चीन वाली सरहदों पर सूरत हाल क्या कुछ है, और मुस्तकबिल में क्या लाएमल सरकार का बल्कि वजारत दिफा का रहेगा, अफवाज का रहेगा, उस पर एक लकीर खींचने की कोशिश होती है। हर बार दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसे हम कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका आगाज परसों यानी पीर से होने जा रहा है, और पीर को जब दिल्ली के अंदर ये इजलास होगा तो इसमें एक तरफ जहां फौज के सरबराह होंगे,
CDS होंगे जो पहली मर्तबा जिम्मेदारी संभालने के बाद इस बड़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करने वाले हैं। एक तो ये कि जनरल चौहान जब से वो CDS बने हैं नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के मौत बाद जब से उनको नई जिम्मेदारी मिली है और दूसरे CDS हैं वो इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आगे की स्ट्रेटजीज पर बात होगी। फौजी कमांडरों की जो कॉन्फ्रेंस है इसका आगाज जब पीर से होगा तो तमाम एंगल से मुल्क की सलामती को और ऑपरेशनल जो तैयारियां इस वक्त हैं उनको जांचने की परखने की बारीक बेनी से उन पर बात रखने की कोशिश इस कॉन्फ्रेंस में हर बार की जाती है वो इस बार भी होगी। एक तो सारे एस्पेक्ट्स पे बात होगी ये कि जो LOC के आसपास जो सूरत हाल है यानी सरमा से कबल जो एक मौकफ रहा है हमेशा से डिफेंस मिनिस्ट्री का या अफवाज का कि दरअंदाजी की कोशिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं बाद में बर्फ पड़ जाती है ऊपरे हिस्सों में इसलिए ऑपरेशंस तेज़ करने पड़ते हैं सर्च ऑपरेशंस चलते हैं जिसमें एक ताज़ा मिसाल 2 नवंबर का ऑपरेशन भी सरहदी जिला पुंछ के अंदर है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू कठुआ और सांबा के हिस्सों के साथ जो लाइन टकराती है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी सीज़ फायर भी है 25 फरवरी 2021 से हम देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली एक पेशरफ्त हुई है सरहदों पर खामोशी की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है लेकिन इस खामोशी के दरमियान सरहद पार से कोई ऐसी कोशिश ना हो जो कहीं ना कहीं खतरनाक मुल्क की सलामती के लिए या बदमनी फैलाने के लिए जिसको बाद में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है उस सारी सिचुएशन पर भी डिस्कस किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान की सरहदों पर खामोशी है तो चीन के साथ लगने वाली सरहद पर काफ़ी तनाव है। LAC जो मशरकी लद्दाख का हिस्सा है वहाँ पर स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी सरमा के दौरान अफवाज को गर्म मलबूसात से लेकर तनसीबात तक की बात फिर उसके बाद यहाँ पर फिजा में जो कार्रवाइयाँ होती हैं जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उस पर भी कैसे मुश्तरक तौर पर तआवुन किया जा सकता है ऑपरेशन आगे बढ़ेंगे और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जो वादी कश्मीर के अंदर चल रहे हैं जम्मू में सर्च ऑपरेशन चले OGWs का एक नेटवर्क बड़ा है या फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बहुत सारे इलाकों के अंदर लोग ऐसे भी काम करते हैं जो साइबर कनेक्टिविटी के थ्रू या मोबाइल नेटवर्क्स का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जो वज़ीर ख़ारजा SJ का 3 दिन पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्दी को फैलाने या बदमनी को फैलाने के लिए एक बड़ा हथियार है वो टेक्नोलॉजी है तो उसको कहीं इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए उन सारी चीज़ों पर कैसे इस वक्त रोक लगानी है और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम हिस्सों सरहदी जो रियासतें हैं राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक और बिलखसूस लद्दाख मशरकी हिस्से के अंदर आने वाले दिनों में तैयारियां क्या होंगी उस पर एक लकीर खींची जाएगी। कमांडर्स की बातचीत होगी जिससे इस कॉन्फ्रेंस में खिताब CDSP और फौजी सर इस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी अहम बात भी है कि जब हम चीन के जाविया से इस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस गुज़श्ता दिनों महीनों में हमने देखा था तो उसके बाद कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी तो ये कॉन्फ्रेंस उस जाविया से भी यानी चीन के जाविया से भी इसको काफ़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है उस पर किस तरीके अगर सीज़ फायर है कि कोई बड़ी दरअंदाजी की कोशिश नहीं है या इस तरीके के कोई मामला सामने नहीं है तो वहाँ पर भी जो सूरतयाल बनी है और विंटर्स में जो प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा उस पर डिस्कशन होगा। इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर से लेकर एंटायर नॉर्थ के अंदर किस तरीके से रहेगी उस पर भी गुफ्तगू करनी होगी और इसमें पहली बार जहां CDS जो नए हैं वो शिरकत करेंगे आर्मी चीफ वहाँ पर रहेंगे स्पेशलर जो आर्मी के हैं वो रहेंगे और डिफेंस मिनिस्टर साहब भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शरीक होंगे। मंडे को ये कॉन्फ्रेंस होगी इस पर भी हमारी नज़र रहेगी आपको पल पल का अपडेट करेंगे। लेकिन सरहदों की बात हो रही है ज़रा आपको एक और बड़ी खबर से भी बाखबर करते हैं और ये अहम खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे सियाहत को फ़रोग मिलने के आसार नुमाया हो रहे हैं क्योंकि अब इंतज़ामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स माजी में रहे हैं जो अभी तक क्लोज थे कश्मीर के अंदर उन्हें दोबारा खोल दिया गया है या खोला जा रहा है। कुछ चीज़ों को खोल दिया गया है और कुछ चीज़ों को खोला जा रहा है। एरियाज जितने भी कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पास में हैं उन्हें सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आज तक हम देख रहे थे कि बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर सयाह नहीं जा सकते ना तो लोकल जा सकते थे और ना ही फॉरेन टूरिस्ट जा सकते थे लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर यह फैसला लिया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जितने भी इलाका जात हैं उन्हें खोल दिया जाएगा सयाहों के लिए चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो लोकल टूरिस्ट हो। और इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक मैकेनिज्म मुतारफ कराया गया है कि ताकि सिक्योरिटी सिनेरियो भी खतरे में ना पड़े और लोग सयाहत के लिए भी आ सके।
ये एक तरफ से है, और दूसरी तरफ से महकमे के जिम्मेदारों का मानना है कि बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको पिछले साल से हाथ में लिया गया है। काफ़ी प्रोग्राम जम्मू सूबे के अंदर, काफ़ी प्रोग्राम कश्मीर सूबे के अंदर किए गए, और उन्हें उम्मीद है कि इस साल अब जब नया टूरिस्ट सीजन शुरू होगा तो इसमें मजीद ज़्यादा बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी। ये तो बॉर्डर टूरिज़्म के हवाले से। उसके अलावा आइस सिटी गुलमर्ग जिसे है, इसे मेजर विंटर अट्रैक्शन बनाने की कोशिशें की जाएंगी सियाहत महकमे की तरफ से, और साथ साथ हेली स्कीइंग के साथ साथ हेली टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। ये जो नए डायरेक्टर हमारे सियाहत के कश्मीर के हैं उनकी तरफ से, फजल हसीब साहब, उनकी तरफ से जो है ये बात सामने रखी गई है कि हेली स्कीइंग का भी प्रोग्राम रखा जाएगा और साथ साथ हेली टूरिज़म को प्रमोट किया जाएगा। आइस सेंटर जो गुलमर्ग है यहाँ पर प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने फैसिलिटीज़ को देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पर आए। अब यहाँ तक ही महदूद नहीं है बल्कि सोनमर्ग इस बार पहली बार विंटर्स के अंदर खुला रहेगा, दूध पथरी को खोलने की बात कही जा रही है, यूसमर्ग मेन अट्रैक्शन रहेगा इस बार भी, यानी काफ़ी ज़्यादा विंटर स्पोर्ट्स और विंटर एक्टिविटीज़ जो है वो इन इलाकों के रहेंगी ताकि सयाह सिर्फ गुलमर्ग ना जाए बल्कि इन इलाकों की ओर भी जाए। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि होम स्टेज जो नए सिरे से मुतारफ़ कराया गया था, तो फिलहाल महकमे का मानना है कि हमारे पास 650 से ज़्यादा होम स्टेज कश्मीर सूबे के अंदर है और इसे मज़ीद बेहतर बनाने की और कोशिश की जा रही है ताकि सयाह एट होम फील करें, वो घर पर फील करें, इस हवाले से मज़ीद कोशिशें की जा रही है ताकि पैसा जो है और सियाहत जो है वो एक साथ चले, फाइनेंस भी चले और सियाहत भी चले और हाई एंड टूरिस्ट यहाँ की ओर आए, इस हवाले से काफ़ी कोशिशों का आगाज जो है वो किया गया है। लेकिन इन्हीं बातों के बीच खबर ये भी है कि महकमा सियाहत के बीच कितने सयाह कब कब आए हैं, किस किस साल में आए हैं, माजी का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इस तरीके की बातें भी जो है वो सामने रखी जा रही है कि 75 साल का कोई भी रिकॉर्ड इतना मौजूद नहीं है कि हम बता पाएं कि किस साल में कितने सयाह आए, क्या ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं। लेकिन टेंटेटिवली जो एक दो साल का रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि पिछले दो साल के मुकाबले में सयाहों की अच्छी खासी तादाद, डिस्पाइट द फैक्ट कोविड-19 था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का रुख किया है मुल्क की सतह पर, और अब उम्मीद ये है कि बैन अवी सतह पर सरमा के दौरान जो विंटर गेम्स होंगे, चाहे गुलमर्ग के अंदर हो, पहलगाम के अंदर हो, सोनमर्ग के अंदर हो, दूध पथरी के अंदर हो, तो वहां पर सयाहों की अच्छी खासी तादाद जो है वो देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर इसमें ये है कि विंटर सपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन एलओसी के पास पास के इलाके जो हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो इलाके हैं वो सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा, सयाहों के लिए खोल दिया गया है, ये एक बड़ी खबर है इसमें। और ये कहा गया कि टीटवाल फेस्टिवल हो और दीगर फेस्टिवल्स आर्मी के साथ बैठकर हमने किए हैं, वहीं से ये बात सामने आई है कि इन फेस्टिवल को अगर मज़ीद बेहतर बनाया जाए तो सियाहत के लिए एक नया मरकज़ और नई रूह जो है वो देखने को मिल सकती है। लेट अस होप सो कि बेहतरी की ओर जाए। और जब हमने इस के पस मंज़र में टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल ऑपरेटर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि माजी में हुआ करता था, बाद में हालात की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी, लेकिन अगर ये चल पड़ा तो इससे सियाहत को एक नई रुख, एक नई दिशा जो है, एक नई डायरेक्शन जो है वो मिलेगी। एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने की हर मुमकिन कोशिश सियाहत महकमे की तरफ से किया जा रहा है। जी चलिए, ये सियाहती महकमे की बात थी, सरहदी सियाहत को फ़रोग देने की बात है जिसका नारा बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया देती है। और एक और अहम इकदाम जिसमें फ़ौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारों का एक बड़ा रोल आने वाले दिनों में रहने वाला है, क्योंकि ये एलओसी के पास पास वाले इलाकों की निशानदेही की बात है जो पहले हुआ करते थे, अब फहरिस्त से बाहर हुए हैं। लेकिन बात ज़रा अब अदालतों की भी करते हैं और उन मुलाजमीन की भी जो मुस्तकिल पॉलिसी लाने की और इनकी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और ये बात है उन मुलाजमीन की जो जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबरर्स मुलाजमीन थे, लेकिन बात ज़रा चंद मुलाजमीन की जिन्होंने अदालत का रुख किया था, मगर एक तरह से उन तमाम मुलाजमीन की जो मुख्तलिफ महकमों के साथ जुड़े हुए हैं गुज़श्ता कई बरसों से बतौर कैजुअल मुलाजमीन, एहतजाज भी किए, सारी चीज़ें किए, लेकिन ये जो अदालत का फैसला है ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है। दरअसल महकमा सेहत के अंदर जो नीड बेस वर्कर्स हैं या कैजुअल मुलाजमीन कह लीजिए, वो मांग कर रहे थे कि उन्हें मुस्तकिल किया जाना चाहिए, और जो टर्मिनेशन के उन्हें ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या मुतलका महकमे की जानिब से, जब तक उन्होंने खिदमात दी, बेहतर तरीके से काम किया, मेहनत और लगन के साथ, परफॉर्मेंस कहीं पर ख़राब नहीं थी, लेकिन अब अचानक से उन्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उन्हें महकमा सेहत छोड़ना है, यानी जब तक महकमे को ज़रूरत थी तब तक काम लिया, उसके बाद नहीं। ये केस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के सामने पहुंचा और कल इस अहम मामले पर समाअत के दौरान एक बड़ी बात निकल कर सामने आई,
अदालत ने जिसमें क्लियर कर दिया कि कैजुअल वर्कर्स मुस्तकिल मुलाजमत का दावा नहीं कर सकते, वो नहीं मांग सकते। और ये जो तकरारियां हुई थी 2014-15 के दौरान, यानी जो कैजुअल मुलाजमीन शोभा सेहत के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जिन्होंने अपना केस अदालत के सामने रखा और मौजूद अदालत ने साफ कर दिया कि एक जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं वो नीड बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जब तक जरूरत होती है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रेगुलराइजेशन के लिए कोई डिमांड नहीं रख सकती, नंबर वन। दूसरी बात इसमें क्लियर कर दी गई, जो दरख्वास्त उनकी तरफ से दी गई थी ये कहकर खारिज कर दी गई कि ये अदालत तक दरख्वास्त लाना भी गैरकानूनी है, इसलिए क्योंकि 2014 में जब तकरारियां की गई, जहां जहां जरूरत थी वहां वहां लोग लगाए गए, बैकडोर अपॉइंटमेंट का भी खुलासा, यानी ये इस शब्द का इस्तेमाल, ये जो लफ्ज है वो अदालत की तरफ से कहे गए कि ये पिछले दरवाजे से की गई तकरारियां और उस वक्त के वुजरा और MLAs की जानिब से ये लोग लगाए गए, ना कि इनकी कोई कानूनी हैसियत है। और आज जो आप दरख्वास्त लेकर अदालत में पहुंचे हैं उसे भी इशफाक गैरकानूनी करार दिया गया है। चलिए, ये एक डिसीजन जो है ये एक लाइन खींची है अदालत की तरफ से, और शायद इंतज़ामिया के हाथ एक और कागज़ लग गया है सरकार का, जहां पर वो अब कैजुअल और डेली वेजर्स और दीगर इस तरीके के मुलाजमीन को ये कहेंगे कि जनाब अब आप क्या करेंगे जी, आपके लिए दरवाज़ा बंद है। चलिए फिलहाल ये तो बात थी जनाब मुलाजमीन के हवाले से, तो बात इंतज़ामिया की भी आपको बताते हैं और जश्न सेहत की भी खबर आपको बताते हैं। जश्न कश्मीर आपने सुना होगा, जश्न गुलमर्ग आपने सुना होगा, लेकिन हुकूमती सतह पर जश्न सेहत भी मनाया गया है और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह किया है और ये कहा कि 60 साल के तारीख के दौरान, यानी 67 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं हो पाया है और लगातार जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज किया गया है साबिका हुकूमतों की तरफ से, लेकिन मौजूदा मरकजी हुकूमत जिसकी क्यादत वजीर आजम कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा से इस निजाम को मुतारफ किया है यहां पर और बहुत जल्द इसके असरात समरावर साबित होंगे। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का भी ऐलान किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कश्मीर, एम्स कश्मीर जो है वो फंक्शनल होगा जी अगले साल से। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि साल 2023 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर अगले साल से जो है एम्स कश्मीर को शुरू करने की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल सामने रखी और ये साफ कर दिया है कि राइट टू हेल्थ जो है ये हर एक का है, और जिस तरीके से रियासती इंतज़ामिया ने और रियासती इंतज़ामिया से वाबस्ता एजेंसीज़ ने सेहत शोबे के अंदर काम किया, उसका ये फ़ायदा है कि मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा आहिस्ता आहिस्ता करके सभी लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल इस बात को साफ कर दिया है कि सेहत के मामले पर किसी भी कीमत पर कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स के अंदर जो है वो काम किया जाएगा। कल जब हम ये फंक्शन देख रहे हैं तो कल किससे आयुष्मान एक जो बुकलेट बनाया गया था उसका इफ्तिताह कल किया गया, उसकी रस्मी रोनुमाई की गई है। उसके साथ साथ ई सर्विस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड जॉइंट मैनेजमेंट जो है ई सेजा उसको कल शुरू किया गया है। टेली मनहास को शुरू किया गया, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट इसको कल शुरू कर दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो है वो कल मुतारफ कराई गई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, और इसी में उनने कहा कि रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर रहने वाले लोगों को अब बुनियादी ढांचा फराहम किया जा रहा है, और तकरीबन 92% फैमिलियाँ जो हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से आयुष्मान कार्ड जो दिए गए हैं उसका फ़ायदा उठाया गया है। और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह साफ कर दिया कि 4 अजला जिनमें गांधरबल है, शुपियां है, कुलगाम है, सांबा है, यहां पर 100% सिचुएशन NFSC की कर दी गई, नए फूड से सिक्योरिटी की कर दी गई है। पुंछ, अनंतनाग, पुलवामा, रामबन नियरली 98% तक चले गए हैं। और जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इन बातों को देखते हैं सेहत के हवाले से, तो फिर सियाहत के साथ साथ सियासत भी सामने आई और कहा कि जम्मू कश्मीर में दायमी अमन में मुंतखबा नुमाइंदों का एक अहम तरीन रोल है, मुंतखबा नुमाइंदों का एक अहम तरीन रोल कयाम अमन के अंदर है, और अस्करी पसंदी जो है वो अब आखिरी सांसें ले रही है, मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रही है, और कश्मीर को बहुत जल्द मिलिटेंसी से पाक करार दिया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ये उम्मीद जाहिर की है। और अब ऐसा निज़ाम की ज़रूरत है जहाँ आम लोगों को यकीन होगा कि उन्हें इंसाफ फराहम होगा, यानी आम लोगों को ये लगेगा कि इंसाफ फराहम होगा और उन्हें इंतज़ामिया के ऊपर नज़र होगी कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। इस तरीके
तरीके के निजाम की दाग बेल डाली गई है और बहुत जल्द ये इकोसिस्टम जो है वो खड़ा होगा। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, फटाफट से जरा इसको सुन लेते हैं पहले, उसके बाद छोटे से ब्रेक पर चले जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है, गर्व भी है कि आज सामान्य तौर पर 1000 लोग प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग 2.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन भुगतान लोगों के इलाज के लिए किया जा रहा है। संतोष इस बात का भी है कि आज लगभग हर परिवार के पास गोल्डन कार्ड है और वो चैन की नींद सो सकती है। मैं ये कह सकता हूं कि आपकी इस मेहनत के कारण एक नए प्रकार का आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा और आशा पैदा हुई है और इस सबके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। आज अगर हेल्थ के सभी पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पीछे भी नए जम्मू कश्मीर में, उसके निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन है। आज जम्मू कश्मीर के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी गई। उस दिशा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का गैप एनालिसिस किया गया है, 24/7 टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट्स ई मानस की शुरुआत की गई है। इस 2 दिन के कार्यक्रम में आईटी प्लेटफॉर्म, अस्पताल की क्वालिटी सर्विसेज तथा सेहत को लेकर भी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से इसी प्रकार दशकों से अधूरे पड़े हुए कामों को पूरा करने में। चलिए जनाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की उन बातों को आप सुन रहे थे जहां पर उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उस हवाले से भी गुफ्तगू किया। फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कैदियों को लेकर, जम्मू कश्मीर के कैदियों को लेकर क्या कुछ बात हुई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। गांदरबल की सूरत हाल से आपको बाखबर करेंगे क्योंकि गांदरबल से ही शहर श्रीनगर को पानी मिलता है। आज के दिन में पीने के पानी की क्या कुछ सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। फिर आपको रियासी भी लिए चलेंगे जहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है छोटे से ब्रेक के बाद।